दरोगा। भारत अमेरिका की साझेदारी को मजबूती देगी पीएम मोदी और बाइडेन। चार चरणों में हुई 2+2 वार्ता से चीन को बड़ा संदेश। बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता। नीरव मोदी के सहयोगी को काहिरा से लाई वापस। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी बोले, यूपी के विकास को नया आयाम देगी इच्छा शक्ति। यूपी विधान परिषद की 27 सीटों के नतीजे आज। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू। अयोध्या लखनऊ सहित कई शहरों में अपराधियों की अवैध प्रॉपर्टी सीज। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। भारत और अमेरिका के बीच चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत वॉशिंगटन में आयोजित की गई। दोनों देशों के इन मंत्रियों के बीच बातचीत अफगानिस्तान में और उसके आसपास की घटनाओं पर हुई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत के बारे में कहा कि हम अमेरिकी कंपनियों के साथ सह विकास और सह उत्पादन की इच्छा व्यक्त करते हैं और अमेरिका की डिफेंस कंपनियों से यूपी और तमिलनाडु के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में और निवेश करने का अनुरोध किया है। खबर अयोध्या से है, जहां कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुई बर्बरता को दर्शाने वाली फिल्म दी कश्मीर फाइल्स को लेकर देश में अभी सियासी बयानबाजी थमी नहीं थी कि अब फिल्म निर्माताओं की नजर अयोध्या की फाइल पर भी आ गई है। देश विदेश में विवाद से पहचाने जाने वाला उत्तर प्रदेश का अयोध्या अब हिंदुओं के गढ़ के रूप में विकसित किया जा रहा है। राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाला अखाड़ा के महंत और मौजूदा समय में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास रामलला के सहायक पुजारी प्रदीप दास भी इस मौके पर सत्यधाम गोपाल मंदिर में मौजूद हैं। इस फिल्म के लेखक निर्देशक एल कांतेश ने बताया कि हमारे सामाजिकता के मूल्यों को हम समझाते नहीं हैं। आगे उन्होंने कहा कि राम की डेफिनेशन की हम व्याख्या कैसे करें। मेरा मानना है कि राम के जितने भी रूप है वो समाज के लिए प्रेरणादायी है और समाज को उसे सुनना चाहिए और देखना भी चाहिए। अगले महीने से इस फिल्म के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। फिल्म में प्रमुख किरदार निभाने वाले अभिनेता नहीं होंगे, ऐसे होंगे जो बच्चों के मन मस्तिष्क पर अपनी छाप छोड़ेंगे। हमारे जो सामाजिक मूल्य है वो इतने कम होते जा रहे हैं कि जैसे कि हम मतलब आधुनिकता को समझते भी नहीं हैं और उसमें डूब जाते हैं। लेकिन हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारे भारतीय सभ्यता है जो हमारी, उसमें राम का जो अस्तित्व है, जो समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब हम जिनकी प्रेरणा से बड़े हुए हैं, जिनकी कहानी सुन के बड़े हुए, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो वो जो खो रहा है कहीं, तो हम समाज में उसको जो है ना एक प्रयास कर रहे हैं कि उस परिभाषा को फिर से गढ़ने की कोशिश की जाए और नए जो इस नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनमें राम के जो चरित्र के बारे में कुछ फिर से जो है शुरुआत हो। बहुत सफलता मिलेगी क्योंकि राम का जन्म है और राम का अवतार किस लिए हुआ, गोद धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी। जिस रूप में भगवान राम का अवतार हुआ राक्षसों का विनाश करने के लिए, वैसे आज के दिन में जो भी कार्य होगा वह पूर्णतया सफल होगा। और जैसे राम का आदर्श है उसी प्रकार से इसके माध्यम से राम का आदर्श की स्थापना होगी। खबर अलीगढ़ थाना जुवा क्षेत्र के ग्राम आलमपुर
शुकब्रा से है, जहां पे दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। दबंगों के डर से एक परिवार मकान बेचकर पलायन करने को मजबूर है। इस दौरान पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पड़ोसी शराब पीकर मारपीट करते हैं, जबकि कुछ दिन पहले दबंगों ने पीड़ित के घर से गहने और नकदी चोरी किए थे। वहीं आरोपियों ने खुलेआम परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी, जबकि पुलिस इस मामले पर मूक दर्शक बनकर खड़ी रही, जिसके बाद अब पीड़ित पक्ष ने SSP कार्यालय पहुंच कर मदद की गुहार लगाई। मामला किया था हम अपने स्कूल के सच्चे आदमी हैं और ये हैं दबंगा आदमी। अच्छा, इनके यहाँ पुलिस बैठती है, ये समझते हैं कि हमारी पुलिस जो घटती है, तो इस चक्कर में ये पहले हमारे यहाँ चोरी करा दी थी। अच्छा, 2 साल पहले। उसके बाद में एक मैटर बन गया था, हमारे घर के जो बच्चे बच्चे और सबकी पीटपाट कर दी। दबंगवादी ने धमकी लगाई, दोनों पार्टियों को बंद करूँगा, तो उसके बाद में उन्होंने फैसला करा दिया था। उसके बाद में हम बोले दरोगाजी हमसे बोले कह जी सबूत दिखाइए, तुम्हारे घर में कहीं पत्थर पड़ रहा है, तो हमारे पास सबूत क्या था कुछ नहीं। तो दरोगाजी बोले दोनों पार्टियों को बंद कर। उसके बाद में हम बोले मैंने किसा आज मैंने कि आज के बाद में जब आएंगे हमने मन में सोची अपने में मैंने किसा हम कैमरा लगवा लेंगे अपने, तो वादे कम से कम हम सुरक्षित होंगे। तो अब सब हम जब कैमरा लगवा दिए उसके बाद में अब इन्होंने कैमरा तोड़ दिया। अब ये कहते काट देंगे फावड़े से और गोली मरवा देंगे। खौफ से लोग पलायन करने को मजबूर है, जो घर बेचकर पलायन करना चाह रहा है परिवार। आपको बता दें कि दबंगों की दबंगई से परेशान कुछ लोगों ने अब SSP कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि जो उनके पड़ोसी हैं, जो पड़ोस में रहने वाला परिवार है, वो काफ़ी दबंगई कर रहा है और शराब पीकर मारपीट करने का आरोप भी लगाया है पीड़ितों ने, और साथ ही साथ घर से कुछ सामान की चोरी की भी खबर सामने आई है। और ये मामला अलीगढ़ थाना जवा क्षेत्र के ग्राम आलमपुर शुकबरा का है। इंसान की जान की रक्षा करने वाले डॉक्टर को धरती पर भगवान कहा जाता है, लेकिन महाराजगंज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने धरती पर रह रहे भगवान को कलंकित कर दिया है। दरअसल प्रिजम गंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास कुआडारी में एक डॉक्टर जिसने पास ना डिग्री है और ना ही रजिस्ट्रेशन, जो मरीजों को एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक करने का दावा करता है, जिससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन इसी तरह जिले में दर्जनों फर्जी अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जो मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो फर्जी डॉक्टर और इलाज का ये खुलासा हुआ है, महाराजगंज से ये खबर सामने आ रही है, जहां मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। इंसान की जान बचाने वाले व्यक्ति को, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन महाराजगंज से ये खबर सामने आ रही है, जहां पे इस भगवान के दर्जे को कलंकित किया जा रहा है। ब्रिजमनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है, जहां कुआडारी में एक डॉक्टर है जिसके पास डिग्री भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, मरीजों को एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक करने का ये व्यक्ति दावा करता है, जिससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। शासकीय धन राशि के दुरुपयोग और गबन के आरोप में जिला पंचायत राज अधिकारी ने जांच के बाद 3 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया। इनमें 2 पवांसा ब्लॉक के हैं, जबकि 1 जुनावई ब्लॉक का है। निलंबन की अवधि में विकास खंड मुख्यालय से संबंध रहेंगे, निलंबित की अवधि विकास खंड मुख्यालय से संबद्ध रहेगी, ये जानकारी सामने आई है। 3 ग्राम पंचायत अधिकारियों पर गाजगिरी है। शासकीय धनराशि के दुरुपयोग और गबन के आरोप में जिला पंचायत राज अधिकारी ने जांच के बाद 3 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। इसमें 2 पवांसा ब्लॉक के हैं, जबकि 1 जुनावाई ब्लॉक का है। निलंबन की अवधि में विकास खंड मुख्यालय से संबंध रहेंगे, निलंबित की अवधि से विकास खंड मुख्यालय से संबद्ध रहेंगे।
खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां जिला चिकित्सालय में डीएम ने तरंग प्रेरणा कैंटीन का उद्घाटन किया। इस कैंटीन के माध्यम से कई महिलाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं जिला अस्पताल परिसर में आने वाले मरीजों और उनके परिवार को घर जैसा खाना और दूध की जरूरतें भी पूरी होंगी। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद वहां उपस्थित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी संजीव सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत ये किया जा रहा है ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। पंडित कमलापति त्रिपाठी संयुक्त चिकित्सालय चंदौली में आज जो हमारी ग्रामीण महिला आजीविका समूह है, मिशन है, उसकी संकुल के द्वारा प्रेरणा कैंटीन का शुरुआत किया जा रहा है, तरंग प्रेरणा कैंटीन के नाम से। निश्चित रूप से इसमें जो महिलाएं हैं बड़ी उत्साहित हैं, और उनके द्वारा जो अटेंडेंट मरीज के आते हैं या बाहरी लोग जो भी इस परिसर में आएंगे, उनको शुद्ध और अच्छा ताज़ा भोजन या चाय नाश्ता प्राप्त हो सकेगा। इस तरह की शुरुआत जो है, जो भी हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं उन सभी में हम लोग इस तरह की कैंटीन खुलवाएंगे ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। जनपद चंदौली एक आकांक्षी जनपद है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो हमारा मिशन शक्ति चल रहा है, आर्थिक स्वावलंबन एक बड़ा लक्ष्य है, उस दिशा में आकांक्षी जनपद में हम लोग महिलाओं के लिए जो अतिरिक्त रोजगार सृजन के जो कार्यक्रम हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। समूह की दीदियाँ पशुपालन, दुग्ध पालन, टेलरिंग और अन्य गतिविधियों में भी के साथ साथ अतिरिक्त रोजगार सृजन हो, उनकी ये एक तरंग प्रेरणा कैंटीन उन लोगों को प्रेरित करेगा और अन्य ऑफिस में भी। राशि के दुरुपयोग और गबन के आरोप में जिला पंचायत राज अधिकारी ने जांच के बाद 3 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। इसमें 2 पवासा ब्लॉक के हैं जबकि 1 जुनावई ब्लॉक का है। निलंबन की अवधि में विकासखंड मुख्यालय से संबद्ध रहेंगे। निलंबित की अवधि से विकासखंड मुख्यालय से संबद्ध रहेंगे। देखिए, ग्राम पंचायत बिस्पुरी विकासखंड पवासा में शौचालय निर्माण में अनियमितताएं पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव थे वहाँ के कपिल कुमार और गौरव कुमार को निलंबित किया गया है, तथा वहाँ के ग्राम प्रधान और सचिवों से वसूली के आदेश भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा। इसके अतिरिक्त एक ग्राम पंचायत हैदराबाद है विकासखंड जूनाबाई में, वहाँ पर पंचायत भवन निर्माण में अनियमितताओं पर वहाँ के ग्राम पंचायत सचिव अक्षय कुमार, ग्राम प्रधान और वहाँ के अवर अभियंता जिन्होंने उसकी एमबी की थी उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश। आईपीएल 15 में हैदराबाद का सामना गुजरात से हुआ। इस मैच में हैदराबाद ने सीजन की दूसरी जीत दर्ज की है। इसके अलावा ये गुजरात की इस सीजन की पहली हार है। हैदराबाद ने इस मैच को 8 विकेट से जीत लिया। 163 रन के स्कोर का पीछा करते हुए हैदराबाद ने धीमी शुरुआत की। अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन ने पहले विकेट के लिए 64 रन जोड़े, तो वहीं अभिषेक इस दौरान 42 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद केन और राहुल पार्टी ने टीम को संभाला और स्कोर आगे बढ़ाया। हालांकि चोट की वजह से उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। वहीं विलियमसन भी 57 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद पूरन और मार्क्रम ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। अंत में इन्हीं दोनों खिलाड़ियों ने टीम को जीत दिलाई। तो हैदराबाद ने गुजरात को रोका है। आपको बता दें कि गुजरात की जहां ये पहली हार है तो वहीं दूसरी जीत है हैदराबाद की। आपको बता दें कि अच्छा प्रदर्शन किया हैदराबाद ने। हालांकि एक खिलाड़ी को चोट की वजह से बाहर भी जाना पड़ा, लेकिन कई उतार चढ़ाव के बाद मैच जीत हासिल करने में कामयाब रहा हैदराबाद। तो लगातार आईपीएल के जो सीजन है उसमें कई कड़े मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। जो टीमें हैं अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन जो मुकाबला है वो रोज दिलचस्प होता जा रहा है। संभल के थाना इलाके राजपुर गांव के जंगल में तालाब से 5 दिन पहले लापता बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है, जिसकी सूचना पर बहजोई थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान बहजोई थाना प्रभारी विकास सक्सेना ने बताया कि जिस बुजुर्ग का शव मिला है ये पिछले 5 दिनों से लापता था और पुलिस भी बुजुर्ग की तलाश कर रही थी। आगे थाना प्रभारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। राजपुर ग्राम के निवासी जागर, उम्र 50 वर्ष का, शव गांव के बाहर तालाब में मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर
पीएम के लिए भेज दिया है। सब पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर जनपद चंदौली से है, जहां 1 अप्रैल से सरकार द्वारा गेहूं खरीद यूपी के सभी जनपदों में क्रय केंद्रों पर शुरू कर दी जाएगी। वहीं जनपद चंदौली के क्रय केंद्रों पर गेहूं विक्रय करने पहुंचे किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मुख्यालय स्थित नवीन कृषि मंडी और FCI क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की बदहाल व्यवस्थाओं से परेशान अन्नदाताओं ने कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए बेरंग वापस लौटना पड़ा। किसानों ने बताया कि हम कई दिनों से क्रय केंद्रों का चक्कर काट रहे हैं, ना तो टोकन मिल पा रहा है और ना ही हम गेहूं बेच पा रहे हैं। ऊपर से इस चिलचिलाती गर्मी में हाल बेहाल है। उन्होंने डिप्टी RMO पर खरीद में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम गेहूं विक्रय को क्रय केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं और किसानों का गेहूं खरीद करने के बजाय डिप्टी RMO के आदेश पर कुछ विशेष लोगों की खरीद पहले की जा रही है। गेहूँ बेचने के लिए हम लोग नंबर लगाया 1 तारीख से और यहाँ अभी तक नंबर चस्पा नहीं हुआ, ना टोकन मिल रहा है। बात करने पर कि आप गेहूँ गिराइए तौल जाएगा, डिप्टी साहब कह रहे हैं कि नहीं गेहूँ गिराइए तौल जाएगा, और यहाँ जो विभागीय अधिकारी बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ हम लोग पास बोरा नहीं है, हम लोग तौले हैं कहाँ, आप लोग गिराइए, आप लोग उसको गोरिए, आप उसकी व्यवस्था आप लोग करिए। आप किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? यहाँ पूरे विभाग की लापरवाही है, पूरा विभाग एक दूसरे पर फेंक रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। क्या चाहते हैं? यहाँ से सही ढंग से तौलो, किसान यहाँ अपना गेहूँ गिराए तौलवाएँ, अपना जो है उसका मूल्य पाएँ। जनपद में गेहूं क्रय का इस सीज़न में 83,000 MT का लक्ष्य है, और जो हमारे 40 केंद्र हैं जो कि संचालित हो गए हैं, इन सभी केंद्रों पर किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, साथ ही उनकी आवक के अनुसार जो है तौल कराई जा रही है। इस संबंध में सभी तहसीलदार SDMs जो कि तहसील के खरीद प्रभारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि एक हेल्प डेस्क डेवलप करें। मंडी में भी एक हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। अभी तक यहाँ लगभग 1,000 किसानों ने अपने इस कागज़ जमा किए हुए हैं और उनकी आवक के अनुसार उनको 4 क्रय केंद्र जो संचालित हैं यहाँ पर उनको आवंटित किया जा रहा है। साथ ही सुनिश्चित किया जा रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्रय नीति के अनुसार जो है सभी किसानों का क्रय हो सके। तो गेहूं खरीद की व्यवस्था बदहाल देखने को मिल रही है चंदौली में और किसानों में काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि कान पकड़कर उठक बैठक करते भी दिखाई दिए किसान और बेरंग ही उन्हें लौटना पड़ा, क्योंकि क्रय केंद्रों पर लापरवाही देखने को मिल रही है और क्रय नहीं किया जा रहा है। साथ ही जिस तरह से किसानों को इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है, जिसके बाद उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन इलाके की एक सोसाइटी में बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट के बाद फैले धुएं में फंसकर एक परिवार की 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं हादसे के वक्त पर घर में सो रही मां और दूसरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब पूरा परिवार घर में सो रहा था और उनको इस बात की भनक तक नहीं थी। वहीं घर में से धुआं निकलता देख उसी मदद के लिए आगे आए और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिलने पर नीचे से सीढ़ी लगाकर बालकनी का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और घर में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।